गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे से, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मौसम बहुत ख़राब है और बारिश हो रही है, बहुत मतलब हल्की हल्की हो रही है। तो अभी हम थराली से ऊपर जा रहे हैं और ये आज मेरी ताई लोग और सभी नाना मामा लोग सब जा रहे हैं हमारे साथ ऊपर। तो वहाँ मतलब शादी है तो दाल दलते हैं शादी से पहले, तो शगुन माना जाता है। तो वहीं हम जा रहे हैं और नाना मतलब जो मेरे ताई लोग आए हैं दिल्ली से और नैनीताल से, तो दोनों ताई जा रही हैं मेरे मामा कोट में, नानी के घर में। तो अभी मैं आपको अपनी दीदी लोगों से भी मिलाती हूँ, दीदी लोग भी आए हैं। और अभी का मौसम देखिए गाइस, बहुत ख़राब हो रखा है और यहाँ पूरी आग लगी है। तो गाइस यहाँ पर लेकिन रास्ते में एक प्रॉब्लम हो गई है और पेड़ टूट गया है रास्ते में, क्योंकि बहुत ख़तरनाक हवा इससे पहले चल रही थी और हमें लग ही रहा था कि आज कोई पेड़ भी टूट सकता है, और रास्ते में पेड़ टूट गया है। तो अभी बहुत प्रॉब्लम होगी और शायद मशीन आएगी तो पेड़ को हटाएगी, और नहीं तो हम यहीं अटक जाएंगे गाइस। और दिखाती हूँ मैं आपको पेड़ भी और अपनी दीदी लोगों से भी मिलाती हूँ। तो देखते हैं आगे है पेड़, हेलो गाइस उधर पे, और यह है मेरा भाई। तो आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा पेड़ टूटा है। पर मेरी दीदी लोग, मम्मी, ताई, पापा सब उतर गए हैं और उधर बहुत सारे लोग हैं क्योंकि सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो देखिए दिल्ली वाली ताई है और इधर मेरी मम्मी, और पीछे से दीदी आ रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी पेड़ देखने चलते हैं। हेलो, तो गाइस ये मेरी दीदी है, ताई की बेटी, और देखिए आप लोग ब्लॉग पूरा। इतना बड़ा ये पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है और इतने सारे लोग ये पेड़ को उठा रहे हैं, यहाँ पर इनसे उड़ जाएगा बल ये पेड़, देखो वो भी इतना बड़ा पेड़ ऊपर से नीचे तक, और ये उठा रहे हैं गाइस, देखो इनको। चलो देखते हैं इनकी ताकत से नीचे, देखो गाइस ब्लॉग ही बना रही है। ये भैया है ताई के बेटे, और ये गाड़ियाँ सारी रुकी हुई है, आधी पीछे हैं रुकी हुई। तो देखो गाइस कैसे हटाएंगे हम इतना बड़ा पेड़। अरे खुल दे ले, ये मुला गाओ, ये मुझे उठ जाओ, तो ये पेड़ उठा रही है ये सारी। तो गाइस अभी यहाँ पर फर्स्ट आइडिया है जैक से पेड़ को हटाने का, तो देखते हैं ये आइडिया काम करता है या नहीं, क्या पता काम भी कर जाए। लेकिन अगर सब एक साथ उठाएंगे तो क्या पता पेड़ उठ भी जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और रुकी हुई हैं। तो गाइस जो ये जैक से पेड़ को हटाने का आइडिया था, इसने भी काम नहीं किया, और अब और कोई कोशिश करते हैं, सब साथ में उठाएंगे तो शायद पेड़ उठ भी जाए। तो अभी तो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, तो आप ब्लॉग को पूरा देखें क्या होता है। तो गाइस अभी यहाँ मतलब एक आदमी ऊपर गए हुए हैं और ये ऊपर से लकड़ियाँ फेंक रहे हैं, और अब दूसरा आइडिया ये है कि अब लकड़ी से पेड़ को उठाया जाएगा, मतलब नीचे से लकड़ी डाल के उठाने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि ये आइडिया काम करता है या नहीं। वैसे तो शायद हो जाए, बड़ी बड़ी होती है लकड़ियाँ, तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ अभी नीचे फेंकी जा रही हैं पेड़ को उठाने के लिए मतलब। तो गाइस यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, और अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, वैसे तो आधी पीछे हैं, तो दूसरी गाड़ी भी आ गई है, और अब इसमें से भी कुछ लोग उतर के कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए, मतलब ये पेड़ नीचे चला जाए। तो फाइनली गाइस सबके एक साथ इस पेड़ को उठाने से ये पेड़ नीचे चला गया है, और हमें वैसे भी बहुत लेट हो रही थी, जो भी मतलब गाड़ियाँ रुकी हैं सभी को लेट हो रही होगी। तो देखिए आप किस तरीके से पेड़ अब नीचे चला गया है, और सबने जब एक साथ पेड़ को हटाया तो ये बड़ा सा पेड़ भी नीचे चला गया। तो गाइस अब चलते हैं घर के और, लेकिन आगे पे भी एक पेड़ शायद टूटा है, तो देखेंगे क्या करते हैं वो। गाइस ये है मेरी दूसरी ताई, नैनीताल वाली ताई, और दीदी लोग अभी नीचे ही हैं, मतलब ताई की बेटी और बेटा। तो आपको आगे भी एक पेड़ टूटा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और अभी आपने देखा कितनी मुश्किल से यहाँ पर वो क्या पेड़ को नीचे फेंका, और अगर अभी ये सब नहीं होते मतलब एक साथ, तो
पेड़ नीचे नहीं जाता, देखा मतलब एकता की ताकत जिसे कहते हैं। तो अभी आगे देखते हैं कितना बड़ा है, शायद वो भी मतलब वो तो शायद छोटा सा है बोल तो रहे थे, अब देखते हैं वहीं जाके पता चलेगा कैसा है। और गाड़ियां भी फंस गई थी, तो एकता से सब कुछ हो सकता है गाइस, इसलिए हमें एक साथ मिल के रहना चाहिए। तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ से तो गाड़ियाँ आगे चली गई हैं, और आगे आप देख सकते हैं वहाँ पर एक टहनी और टूटी हुई है, उसके नीचे से कार तो चली जाएगी पर बड़ी गाड़ी वहाँ से नहीं जा सकती है क्योंकि मतलब टहनी बहुत नीचे झुकी हुई है। तो ट्रक भी आ रही है, ये तो जा भी नहीं पाएगी वहाँ से बिल्कुल भी। दिखाती हूँ, इतनी बड़ी ट्रक तो नहीं जाएगी। ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी ये टहनी टूटी हुई है और टहनी भी बड़ी है, इसके नीचे से कार चली जाएगी पर बड़ी गाड़ियों को जाने के लिए इसके नीचे से दिक्कत है। तो अभी इस टहनी को कैसे हटाया जाएगा यहाँ से सभी सोचेंगे, और वैसे तो छोटी है पर फिर भी उतनी छोटी भी नहीं है हटाने के लिए, तो अभी आइडिया सोचेंगे। वो है पिंडर नदी और यहाँ से व्यू देखिए कितना मस्त है। गाइस यहाँ पर सभी पत्थरों को हटा रहे हैं पहले तो, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं, पेड़ के टूटने की वजह से पत्थर रास्ते में गिर गए। और पहले तो कोशिश करते हैं कि गाड़ी निकलती है या नहीं, और अगर नहीं निकली तो इस पेड़ की टहनी का तो कुछ करना पड़ेगा। तो अभी सब पहले तो पत्थरों को हटा रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे इस टहनी को हटाया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले एक गाड़ी को पहले आगे निकालने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये गाड़ी निकल जाती है तो बाकी गाड़ियाँ भी निकल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान है जो कि ऊपर टहनी पे टकरा के मतलब टूट जाएगा और फट जाएंगे बैग वैग जो भी रखे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी वैसे तो यहाँ से, और गाड़ी को कोशिश तो की जा रही है। तो गाइस हमारी ये कोशिश मतलब जो भी इन्होंने कोशिश की थी ये भी मतलब सही नहीं हुई, क्योंकि ये तरकीब भी काम नहीं आई। अब गाड़ी को आगे निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर बहुत सारा सामान है, और सामान में गाड़ी को आगे नहीं निकाला जाएगा क्योंकि ऊपर टहनी है और टहनी से टकरा के सामान सारा टूट जाएगा। तो इसलिए अब गाड़ी को पीछे ले लिया गया है, और देखते हैं अब क्या सोचते हैं ये लोग। तो गाइस यहाँ पर गाड़ियाँ निकाल ली गई है और ये ऐसे निकली मतलब पहले टहनी को थोड़ा ऊपर उठाया गया, इसलिए जो ये गाड़ियाँ हैं गाड़ियाँ तो आगे निकल गई हैं, दो गाड़ियाँ आगे निकल गई हैं, बट ट्रक के लिए यहाँ पर दिक्कत है, अब ट्रक के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ट्रक भी आने की कोशिश कर रही है, पर ट्रक तो आ नहीं पाएगी क्योंकि ट्रक बहुत बड़ी है और उसका जो छत है वो ऊपर टकरा जाएगा सारा, तो कैसे इस ट्रक को निकालेंगे इसके लिए भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो अभी तो जो ड्राइवर हैं ट्रक के वो भी गाड़ी को आगे की तरफ ला रहे हैं ताकि कैसे भी गाड़ी निकल जाए यहाँ से जो ये ट्रक है इनकी, और लोग भी सोच रहे हैं कि इस ट्रक को कैसे यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अभी जो यहाँ पर एक अंकल हैं तो वो ट्रक के ऊपर चढ़ गए हैं ताकि वो इस टहनी को दूसरी साइड को कर सकें। अब देखते हैं ये कैसे करते हैं और क्या पता कैसे निकालते हैं। तो आप लोग देखिए व्लॉग को पूरा, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो अभी कैसे ये करेंगे ये भी हमें मुझे भी ये पता नहीं है, तो देखना तो पड़ेगा। तो ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं टहनी को, बट ऐसे कैसे टहनी टूट जाएगी यहाँ पे।
देखिए आप लोग, और अभी का मौसम भी बिल्कुल साफ है, धूप लगी हुई है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। अब ट्रक को थोड़ा पीछे ले लिया है इन्होंने, कुछ सोच रहे होंगे ना आइडिया। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब आप सोच रहे हैं कुछ तो कैसे निकाला जाए, तो बाकी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे जो औरतें हैं ताई लोग। और देखिए ट्रक से ये टहनी टूट गई है गाइस, और अब ट्रक आगे निकल गई है, क्योंकि अब सारी गाड़ियों के लिए भी अच्छा हो गया है कि टहनी टूट गई है तो अब टहनी टकराएगी नहीं, और सारी गाड़ियाँ आसानी से निकल सकती हैं यहाँ से। और ट्रक की वजह से टहनी टूट गई, तो ट्रक अब निकल गई है, और अब बाकी सारी गाड़ियाँ भी निकल जाएंगी, और हम भी अब घर की तरफ जाएंगे फाइनली। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, और गाइस मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरी आवाज़ भी अजीब से निकल रही है। तो अब बाकी सारे अपनी अपनी गाड़ियाँ लेने के लिए चले गए हैं गाड़ियों में बैठने के लिए, तो अब हम भी घर की तरफ चलते हैं गाइस। तो गाइस अब सारी गाड़ियाँ घर की तरफ को आ गई है, और हमारी वाली गाड़ियाँ भी आ गई है, पापा और एक गाड़ी जिनमें ताई लोग जा रहे हैं अंकल लोगों की गाड़ी में, तो वो गाड़ी भी आ गई है, अब हम भी चलते हैं घर की तरफ। तो अभी गाइस हम यहाँ ऊपर हैं, अभी ढाकुली भी नहीं पहुँचे हैं ढंग से, और यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, तो अब बड़ी मुश्किल से टूट गया है, अब चलते हैं। तो गाइस अभी हम घर पे आए थे यहाँ पे, और अपने घर पे आए थे क्योंकि अभी थोड़ा सा ताई लोग जा रहे थे ऊपर नानी लोगों के घर, तो हम भी अपने घर पे आए थे। और अभी हम जा रहे हैं कुराड़ को दाल दलने के लिए, मैंने आपको बताया था, तो दो दिन का प्रोग्राम होता है, और अभी मैं आपको और बताऊंगी कुराड़ जाके जब दाल दलने का जो मतलब कार्यक्रम होता है रस्म वो होगी, और फिर मैं दिखाऊँगी आपको। तो अभी पापा लोग नीचे रोड पे चले गए हैं, और मेरे भाई मम्मी और नीचे वाली दादी आ रही है पीछे से, तो आपने देखा कि दोनों पेड़ सब ने मिलकर हटा दिए, और पूरे रोड में मतलब आप कोई भी गाड़ी जा सकती है, और उसके बाद वो ट्रक से पेड़ की टहनी भी टूट गई थी, जिससे कि आप किसी को भी जाने में दिक्कत नहीं होगी, और आगे वाला पेड़ भी नीचे उन्होंने गिरा दिया था, जिससे कि रोड पर पेड़ नहीं बचा था और गाड़ी जा सकती है आप कोई भी। तो एकता में तो ताकत होती है, तो इसलिए हमें मिलकर तो रहना ही चाहिए। तो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे दाल दलने की रस्म की जाती है हमारे यहाँ, तो अभी चलते हैं रोड पे। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कुराड़ में, और ये कुराड़ की सड़क है मतलब, तो गांव के अंदर तो नहीं गए हैं अभी हम, कार से उतर ही रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम कुराड़ गांव के अंदर, और आगे से जा रही है नीचे वाली दादी। और ये पूरा कुराड़ गांव है मतलब, यहां से शुरू होता है कुराड़ गांव, और गांव में सड़क भी आ गई है यहाँ पूरे गाँव तक, तो सभी अभी आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, और इधर को भी रास्ता है, दो दो रास्ते हैं, तो अभी हम जाएंगे उनके घर की तरफ जहाँ दाल दलने का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा कुराड़ गांव है, और इसके उधर कुराड़ गांव की स्कूल भी है थोड़ी सी दूरी पर, तो वो गांव के स्कूल मैं आपको इसके बाद व्लॉग में दिखाऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से जाता है नीचे को रास्ता, तो यहाँ से हमने नीचे जाना है। तो देखिए आप लोग, ऐसे कुछ घर है कुराड़ गांव में, और हम तो ऊपर ही रहते हैं, ये देखिए सुंदर से गुलाब के फूल, और यहाँ से जाना है हमें नीचे। तो आगे से मम्मी भी जा रही है, और मेरी बहन भाई पापा सब आगे से जा रहे हैं, और मैं तो व्लॉग बना रही हूँ इसलिए मैं पीछे हूँ। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ खेतों में गेहूँ ये सब लगाए हुए हैं,
तो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं उस घर पे जहाँ पे कि ये कार्यक्रम है दाल दलने का। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा व्यू जो है। तो इसके बाद वाला घर है जहाँ पे हमें जाना है और किस तरीके से ये प्रोग्राम होगा दाल दलने का जो होता है कार्यक्रम वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो रोहित मोहित हमारे साथ रहते हैं वो अब नीचे आ गए हैं कुरार, तो वो भी हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर है उनका घर। तो गाइस ये दाल दलने का पूरा सामान रखा हुआ है और गढ़वाली में जिसमें ये दाल रखी गई है इसे सूप कहते हैं और जिसमें पीसी जाती है इसे सिलबट्टा कहते हैं। तो इससे दाल को पीसा जाता है जिसे कि दलना भी कहते हैं, दाल दलना। तो अभी सब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इस दाल को दलते हैं मतलब पीसते हैं। और ये उनका पूरा घर है आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये गाँव। तो गाइस अभी मेरी मम्मी यहाँ पर चली गई है दाल दलने के लिए जिसे कि पीसना कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिलबट्टा रखा हुआ है इसमें दाल को दला जाता है और सबसे पहले यहाँ पे पिठाई रखी हुई है तो पिठाई लगाई जाती है। तो इसे गांव में शगुन माना जाता है। शादी के दो दिन पहले दाल दलने का कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें जो अपने रिश्तेदार वगैरह होते हैं और जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वो दाल को दलती हैं सबसे पहले। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से दाल को मम्मी दल रही है और ऐसी ही रस्म गांव की शादियों में तो अधिकतर होती है शादी के दो दिन पहले और इसे शगुन भी माना जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए। और नीचे वाली दादी जिसको कूट रही है इसमें चावल रखे हुए पतीले में और इस लकड़ी से इसे चावल को कूटा जाता है। दाल दलने के बाद थोड़ा सा चावल पे ऐसे मारा जाता है, पूरी ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं पर हल्का हल्का सा ऐसे कूटा जाता है चावल को। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये रोहित मोहित अब कुराड़ आ गए हैं रहने के लिए और ये यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं तो आपको दिखाते हैं इसके बाद। गाइस मैंने आपको अभी दिखाया कि कैसे हमारे यहाँ दाल दलने की जो रस्म होती है वो की जाती है। तो इसमें दाल को दला जाता है फिर जो मतलब गढ़वाली में तो अजीब अजीब शब्द होता है सिलबट्टे में और लोड़ बोलते हैं जिससे पीसा जाता है दाल को, तो उसमें दाल को दला जाता है और फिर ऐसे चावलों को हल्का सा कूटा जाता है। सभी को हाथ लगाना होता है मतलब औरतें और फर्स्ट में लड़कियां, तो ऐसे कुछ दाल को दला जाता है। तो अभी हम ऊपर आ रखे हैं घूमने के लिए और पापा और मम्मी नीचे ही हैं। फिलहाल हम अभी जाएंगे थराली इसके बाद क्योंकि थोड़ा सा ही दलते हैं ना, हल्का हाथ लगाना होता है, ऐसी कुछ रस्म होती है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, अभी तो हम मम्मी पापा वहीं हैं तो जब आएंगे तो आप तब तक देखिए ये पीछे पूरा कुराड़ गांव है और यहाँ से है कुराड़ गांव की सड़क। गाँव में भी सड़क आ गई है कुराड़ गाँव में, तो आपको मैं दिखाऊंगी इसके बाद। और यहाँ से कुछ व्यू बहुत ही मस्त आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइज ये है कुराड़ गांव की स्कूल, मैंने आपको बताया था कि इसके उधर कुराड़ गांव की स्कूल है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो कुराड़ गांव की स्कूल मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी स्कूल है। अभी बहुत तेज़ धूप चमक रही है, यहाँ के मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं है। थोड़ी देर पहले बादल छाए थे, अभी धूप है और ये पूरा मैदान है बड़ा सा। अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, टाइम हो गया है अभी मतलब 7:30 हो गया है और आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है हल्का सा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, देखते हैं मिलते हैं न्यू व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।